ये जो मोटर आप देख रहे हैं, हमने इसको यहीं रिवाइंड किया है। आप सभी स्टूडेंट्स को हमने मोटर रिवाइंड करना तो सिखा दिया है, लेकिन मोटर वाइंडिंग के लिए इतना काफ़ी नहीं होता। मोटर वाइंडिंग को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सीखा जा सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सावधानियां होती हैं जिनको जाने बगैर आप कभी भी परफेक्ट मोटर वाइंडर नहीं बन सकते। तो आज हम इन्हीं सावधानियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपके द्वारा परफेक्ट मोटर वाइंडिंग की जा सके। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम रिवाइंड करें, मोटर को रिवाइंड करें, तो मोटर दोबारा से ना जले, ठीक है। दोबारा से ना जले का मतलब ये है कि बिना किसी कारण से, यानी कोई बहुत बड़ी वजह ना हो और हमारी गलती से मोटर जल जाए, कि हमने वाइंडिंग में कुछ कमी करी है और मोटर जल जाए। तो इस तरह से यदि आप चाहते हैं कि आप मोटर वाइंडिंग में एक्सपर्ट बने, आपका कभी नाम खराब ना हो कि मोटरें आपके द्वारा जो वाइंड की जाती हैं वो जल जाती हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहला जो कदम होता है वो है आपको मोटर जलने के रीजन पता होने चाहिए। जब रीजन पता रहेंगे तो आप क्या करेंगे, उसी आधार पे आप रिवाइंडिंग करेंगे। जैसे हमें ये जो मोटर मिली हुई है, ठीक है, ये मोटर जली थी डबल फेज से चलाने के, ठीक है। ये सिंगल फेज मोटर है और इसको डबल फेज पे चला दिया गया है जिस कारण से ये जल गई। और डबल फेज पे इसलिए चलाया गया क्योंकि उनके यहाँ न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। अब न्यूट्रल नहीं है का मतलब यह है कि अभी भी न्यूट्रल नहीं, ठीक है। और जब न्यूट्रल नहीं है तो इसको वो दोबारा फिर से डबल फेज पे चलाने वाले हैं तो ये फिर से जलेगी। यही प्रॉब्लम होती है जहां पे हाई वोल्टेज होता है। यदि हाई वोल्टेज है और मोटर जल जाती है, तो यदि हम पुराने डाटा पे मोटर को वाइंडिंग करेंगे, ठीक है, जैसे पहले थी वैसे ही सेम टू सेम करेंगे, तो मोटर फिर से जलेगी क्योंकि उनकी यहाँ पे हाई वोल्टेज है। और यही प्रॉब्लम लो वोल्टेज पे भी होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, रीजन पता करेंगे, कस्टमर से पूछेंगे भैया आपकी मोटर किस कारण से जली, जितना भी आपको पता है आप बताइए। आपके यहाँ अगर वोल्टेज पता है तो वोल्टेज चेक करके बताइए कि वोल्टेज लो है या हाई है, ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, आपका वोल्टेज हाई रहता है या लो रहता है। यदि कुछ समय के लिए आता है कभी कभार तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप पहले जैसा वाइंडिंग करेंगे। लेकिन आपका अगर वोल्टेज हाई है हमेशा के लिए या लो है, तो आप उसी वोल्टेज के आधार पर वाइंडिंग करेंगे तो मोटर आपकी नहीं चलेगी। ऐसे कई सारे रीजन होते हैं, तो हम एक एक रीजन पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो रीजन है वो होता है वोल्टेज का उतार चढ़ाव, ठीक है। वोल्टेज कम या ज्यादा होना, हाई वोल्टेज पे मोटर जल्दी जल जाती है, ठीक है, लो वोल्टेज पे भी मोटर जल जाती है। तो आपको पहले कस्टमर से क्लियर कर लेना कि आपके यहाँ वोल्टेज कितना था जब मोटर जली थी, ठीक है। उसके बाद यदि आप बाइंडिंग करेंगे तो आपकी मोटर जलने के जो चांस हैं बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन समझ में आ गया, वोल्टेज का वेरी होना, यानी कम या ज्यादा होना। दूसरा जो रीजन है वो ये है मोटर ओवरलोड होना। ओवरलोड से मतलब क्या होता है कि जैसे ये मोटर है और इसकी शाफ्ट पे हम लोड देते हैं और इस पे दिया गया जो लोड है वो यदि मशीन की क्षमता से ज्यादा है, ठीक है, मशीन की क्षमता से अगर हम इस पे ज्यादा लोड देंगे तो ये जो लोड हम बाहर से दे रहे हैं इसका लोड पड़ता है वाइंडिंग पे और वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, मोटर को ओवरलोड पे ना चलाएं, ठीक है, खासकर लॉन्ग टाइम के लिए। यदि बहुत थोड़े समय के लिए हमने इसको ओवरलोड किया है तो ठीक है, हो सकता है चल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हम ओवरलोड पे मोटर को नहीं चला सकते, ठीक है। तीसरा रीजन होता है वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट होना, ओपन सर्किट होना या फिर अर्थ लीकेज, ठीक है। ये जो तीनों फॉल्ट हैं इसका जो रीजन है, ये रीजन होता है जब हम मोटर को वाइंडिंग करते हैं, कॉपर वायर का बंडल उठाना, जब भी हम वाइंडिंग करते हैं तो इस तरह का वायर हम यूज करते हैं, वायर से पहले हम क्वाइल बनाएंगे, क्वाइल को फिर हम स्लॉट में डालेंगे और स्लॉट में डालते समय या क्वाइल बनाते समय कभी भी अगर वायर में कट लग जाता है, ठीक है, कट लगने से क्या होगा, इसके ऊपर का इंसुलेशन हट जाता है। इस तरह से ये जो वायर होते हैं यदि इसमें थोड़ा सा कट लगता है इस तरह से, तो इसके ऊपर का जो इंसुलेशन है, ठीक है, ये छिल जाता है। और यदि सेम कंडीशन कोई दूसरे वायर में है, मतलब आपस के दो वायर में अगर इस तरह का इंसुलेशन छिला हुआ है और वो टच हो जाते हैं, ये दोनों कट आपस में टच हो जाएंगे तो मोटर हो जाएगी शॉर्ट सर्किट, जिस कंडीशन में क्या होगा, मोटर जल जाएगी, ठीक है। और यदि ये कट गहरा लगा हुआ है, ठीक है, कट गहरा मतलब ये होता है कि वायर के अंदर भी कट लगा हुआ है, सिर्फ इंसुलेशन नहीं चला, अंदर भी कट लगा हुआ है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मोटर चलते चलते जब भी कोई भी छोटा सा भी कोई फॉल्ट बनेगा या स्टार्टिंग के समय यहां से वायर पिघल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका वीक पॉइंट है, यहाँ पे कट लगा हुआ है जिस कारण से यहाँ वायर वीक है। और जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, मोटर स्टार्ट होते समय बहुत ज्यादा करंट लेती है, तो हो सकता है उस समय या चलते चलते मोटर यहाँ से वायर को जला देगी, यानी ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन होगी सारी मोटर जल जाएगी। और इस तरह का जब बाइंडिंग में कोई कट लगता है, ठीक है, और ये कट लगा हुआ वायर यदि कहीं बॉडी में टच हो जाता है या ये जो पेपर है, पेपर कटा हुआ है या किसी भी कारण से ये जो
कट है, बॉडी में कहीं पे भी टच होगा, जिससे क्या होगा, अर्थ फॉल्ट बनेगा, ठीक है, पूरी बॉडी में करंट आने वाला है, ठीक है, हो सकता है आपकी मोटर पे लोड बढ़ जाएगा और मोटर जल जाएगी, और इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इस पे आपको करंट लग सकता है। चौथा कारण है मोटर चलाते समय सप्लाई का पावर फैक्टर खराब होना, ठीक है, पावर फैक्टर अगर खराब है तो भी आपकी मोटर ठीक से वर्क नहीं करेगी। पावर फैक्टर जब खराब रहता है तो मोटर क्या होती है, करंट ज्यादा लेती है, इसकी जो रेटिंग होती है ना, जितना भी इसका करंट रेटिंग है वो उससे ज्यादा करंट लेगी तो क्या होगा, वाइंडिंग पे लोड पड़ेगा, ठीक है, लोड पड़ेगा तो मोटर जलेगी। तो यदि संभव हो तो आप पावर फैक्टर को सुधार करें, तो मोटर खराब होने का एक रीजन पावर फैक्टर भी होता है। मोटर चलने का पांचवा रीजन होता है जो सिंगल फेज या टू फेज मोटर होती है तो कभी कभी क्या होता है, उनके जो कैपेसिटर होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, बहुत समय तक चलते चलते क्या होता है कि कैपेसिटर वीक हो जाते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे वो कैपेसिटी घट जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट कम जाता है, ठीक है, जब स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट कम जाएगा तो लोड पड़ेगा रनिंग वाइंडिंग पे, मोटर की जो स्पीड है वो भी घट जाएगी और साथ में क्या होगा, रनिंग वाइंडिंग पे लोड बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि रनिंग वाइंडिंग पहले जल जाती है, ठीक है, तो यदि आपका कैपेसिटर वीक हो गया है तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर को रिप्लेस करना है। कैपेसिटर आप पहले चेक कर लें, ठीक है, या टाइम टू टाइम आप कैपेसिटर को चेक करते रहें कि इसकी कैपेसिटी सही है कि नहीं, जितना भी इस पे लिखा हुआ है कैपेसिटी है या नहीं, ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटर का वीक होना भी मोटर को जला सकता है। छठवा रीजन है मोटर के साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है, सिंगल फेज हो या टू फेज, और उसमें लगाया गया कैपेसिटर उसका मान यदि सही नहीं है तो भी मोटर जलनी है, ठीक है, मोटर के हिसाब से यदि आप कैपेसिटर का मान बढ़ाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और कैपेसिटर का मान घटाते हैं तब भी प्रॉब्लम है। मोटर की जो रेटिंग है उसके हिसाब से अगर कैपेसिटर का मान आप बढ़ा रहे हो तो स्टार्टिंग वाइंडिंग पे लोड ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग पहले जल जाएगी। यदि आप कैपेसिटर का मान घटा रहे हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि रनिंग वाइंडिंग पे लोड ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट कम जाएगा और उसका लोड पड़ेगा रनिंग वाइंडिंग पे, ठीक है, और इस कंडीशन में स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि कैपेसिटर हमें चेंज करना है तो आप हमेशा सही मान का कैपेसिटर ही यूज करें, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कैपेसिटर को डबल कर देते हैं, ठीक है, वोल्टेज यदि आपके यहाँ सही आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा सही मान का कैपेसिटर ही यूज करना है, आपको कैपेसिटर डबल लगाने की जरूरत नहीं है, इससे क्या है मोटर जलने के चांस बढ़ जाते हैं। मोटर जलने का जो रीजन नंबर 7 है उसमें क्या होता है, उसमें बैरिंग में ग्रीस की कमी होती है, ठीक है, जब बैरिंग में ग्रीस की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो बैरिंग है वो स्मूथ नहीं चलेंगे, ठीक है, या तो इसमें क्या होगा कि ये जाम हो जाएंगे, जाम होंगे तो मोटर पर लोड बढ़ जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि हो सकता है ये बैरिंग बिल्कुल फ्री चल रहे हो, उसमें कोई भी चिकनाहट नहीं है, जिस कारण से क्या होगा बैरिंग और ज्यादा गर्म होने वाले हैं, ठीक है, ग्रीस नहीं होगा तो बैरिंग गर्म होंगे, बैरिंग गर्म होने से कभी कभी क्या होता है इसके अंदर जो छर्रे डले रहते हैं ना वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है, बाहर निकल आएंगे तो क्या होगा, ये जो रोटर है ये जो बिल्कुल सीधा रहता है, स्टेटर के बिल्कुल सीध में रहता है, वो बाजू में पहुंच जाएगा, ठीक है, और होगा क्या कि ये स्टेटर में टच हो जाएगा, घर्षण होगा और वाइंडिंग जलेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा जो रीजन है, इतना सा थोड़ा सा ग्रीस की कमी से कितना बड़ा फॉल्ट बन जाएगा, मोटर पूरी जल जाएगी, तो आपको हमेशा टाइम टू टाइम ग्रीस करते रहना है, ठीक है। बैरिंग में ग्रीस डालते समय आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ग्रीस की क्वालिटी, ठीक है, ग्रीस कई सारे क्वालिटी में मिल जाते हैं मार्केट में, सस्ते वाले में मिलते हैं, इसकी बहुत घटिया क्वालिटी होती है, यदि आप ग्रीस घटिया क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, सस्ता वाला ग्रीस लगा रहे हो आप, तो उससे क्या होगा कि जो बैरिंग है, बैरिंग की जो लाइफ है वो आपको नहीं मिलने वाली, यदि ये बैरिंग 5 साल चलने वाला था हो सकता है आपका 1-2 साल में ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीस में जो कि 2-5 रुपए का ग्रीस आप यूज करेंगे उसमें, लेकिन आपका सोच के देखो पूरा का पूरा बैरिंग खराब होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, बार बार ग्रीस लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस ग्रीस की भी लाइफ कम हो जाएगी, आपको बहुत जल्दी ग्रीस डालने की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है बैरिंग खराब होने से बाइंडिंग भी जल जाए, तो आपको हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, और आपको क्या करना है ग्रीस हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही यूज करना है। मोटर जलने का रीजन नंबर 8 है, ये जो मोटरें होती हैं जिसमें पंप के लिए हम यूज करते हैं, एम्पलर होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पानी होता है, ठीक है, पानी को यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे एक वाटर सील लगी होती है, वाटर सील क्यों लगाई जाती है कि यहाँ जो पानी है वो यहाँ पे ना आ जाए, ठीक है, ये बैरिंग है, और कभी कभी क्या होता है कि ये जो वाटर सील है ये खराब हो जाती है, जिस कारण से इसका जो पानी है यहाँ से लीक करने लगता है, और कभी कभी ये पानी जो है बैरिंग से होता हुआ अंदर आ जाता है,
जिस कारण से क्या होती है, मोटर जल जाती है। मोटर वाइंडिंग करने के तुरंत बाद आपको श्योर करना है कि आपकी वाटर सील खराब तो नहीं है। वाटर सील के कारण तो आपकी वाइंडिंग नहीं जली, बहुत दिन से यदि आपने वाटर सील को चेंज नहीं किया है तो आप उसको एक बार चेक कर लें, यदि खराब हो गई है तो चेंज कर दें, ठीक है। ज्यादा महंगी नहीं आती है, 30-40 रुपए की वाटर सील आती है, उसको आप मोटर वाइंडिंग के साथ चेंज करेंगे तो आपको क्या होगा, दोबारा से इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोटर जलने का रीजन नंबर 9 में क्या होता है कि इसकी जो वायरिंग होती है ये खराब हो जाती है, ठीक है। इनका भी एक लाइफ होती है, चलते चलते ये भी प्ले हो जाते हैं। प्ले मतलब होता है जब इसको अपन ऐसे पकड़ के देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा डग हो जाता है, प्ले हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि बैरिंग क्या होंगे, ठीक से वर्क नहीं करेंगे, यानी कि जिसका जो रोटर है वो सेंटर में नहीं रहेगा, थोड़ा सा सेंटर से हट जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि बैरिंग गर्म होने लगेगा, गर्म बैरिंग जल्दी खराब हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, इसके अंदर जो ग्रीस वगैरह रहता है ना, ज़्यादा गर्म बैरिंग क्या करेंगे, ग्रीस को भी बाहर निकाल देंगे। और कौन सा फॉल्ट बनेगा, जो रोटर है रोटर सेंटर में नहीं रहेगा, वो सेंटर से हट जाएगा, ठीक है, खराब बैरिंग के चक्कर में, ठीक है। और बैरिंग जब खराब हो जाते हैं तो आपको बाहर से ही एक अंदाजा लग जाता है, जब इसमें आवाज आने लगती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैरिंग में या तो ग्रीस की कमी है या बैरिंग खराब हो गया है, ठीक है। तो आपको बैरिंग को भी चेक कर लेना होता है, टाइम टू टाइम इसको आप चेंज कर दें। खासकर आप जब भी वाइंडिंग कर रहे हो, वाइंडिंग करते समय जब भी आपने मोटर खोली हो तो एक बार आप इसमें बैरिंग जरूर चेक कर लें। जैसे हमने अभी इसको वाइंड किया है और हमने चेक किया कि ये वाला जो बैरिंग है छोटा वाला ये तो सही है, लेकिन ये जो नीचे वाला बैरिंग है ये प्ले है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे। रीजन नंबर 10 में क्या होता है कि जब मोटर को हम कसते हैं, जैसे ये जो नट बोल्ट हमने लगा के रखे हैं, बोल्ट कसे हुए हैं, कभी कभी क्या होता है कि इनको अगर हमने ठीक से फिटिंग नहीं किया है, ठीक है, कुछ भी किसी भी कारण से हो, यदि हमने इसको ठीक से फिट नहीं किया है तो ये जो रोटर है इसका अलाइनमेंट सीधा नहीं रहेगा, मोटर चलते समय वाइब्रेशन करेगी, ठीक है, सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, और होगा क्या कि मोटर की वाइंडिंग पे लोड पड़ेगा। इसलिए आपको जब भी मोटर को फिट करना हो सारे नट बोल्ट आप अच्छे से फिट करेंगे, और स्मूथली रोटेट करने के लिए आपको मोटर को अच्छे से फिट करना पड़ेगा। रीजन नंबर 11, इसमें क्या होता है कि मोटर की वाइंडिंग में पानी पहुंच जाता है। पानी इसमें दो जगह से जाता है, एक तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वाटर सील में से पानी आ जाता है, दूसरा कभी कभी क्या होता है कि इसके ऊपर से भी इसमें अगर पानी गिर गया तो इसके यहाँ पे ये जो ज्वाइंट रहते हैं यहाँ से पानी अंदर चला जाता है, और जैसे ही वाइंडिंग के अंदर पानी जाएगा और मोटर जल जाएगी। तो आपको क्या करना है, मोटर को पानी से बचाना है, ठीक है, अगर वाटर सील खराब है तो वाटर सील चेंज करना है, और किसी कारण से अगर पानी मोटर के ऊपर गिरता है तो इससे भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो आपकी मोटर पानी के कारण नहीं जलेगी। रीजन नंबर 12 में होता है इसका स्टार्टर। स्टार्टर में क्या होता है कि जैसे ये मोटर है, ये 3 HP की मोटर है, और हमने इसमें 3 HP के हिसाब से स्टार्टर को नहीं लगाया, हमारे पास कोई पुराना स्टार्टर था या हमने कोई नया स्टार्टर खरीद लिया और हमने मोटर के हिसाब से नहीं खरीदा, हमने 5 HP के लिए स्टार्टर खरीद लिया, 5 HP के स्टार्टर पर हम 3 HP की मोटर चला रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जो इसको इमरजेंसी में ट्रिप करता है, यानी कि जब भी इस पर कोई ओवरलोड चल रहा हो या सप्लाई खराब आ रही हो, किसी भी कारण से अगर मोटर में ओवरलोड हो रहा है, करंट ज्यादा ले रही है, तो स्टार्टर क्या करते हैं, उसको ट्रिप कर देते हैं, मोटर को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, इमरजेंसी मोड में क्या करते हैं, स्टार्टर ऑफ करते हैं। लेकिन सोच के देखो कि स्टार्टर तो वैसे ही ज्यादा रेटिंग का है, 5 HP का करंट झेल सकता है, तो इमरजेंसी में स्टार्टर ट्रिप नहीं होंगे। ये जो स्टार्टर है इसको बोलते हैं DOL स्टार्टर। इस पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमें HP के अकॉर्डिंग जितना भी इसका जो करंट रेटिंग रहती है इस पे हमें उसको सेट करना होता है, ठीक है। यदि ये ज़्यादा HP की मोटर के लिए है तो इसमें मिनिमम जो करंट रहेगा वो भी मोटर के करंट से ज़्यादा होगा, मोटर का जो रेटेड करंट है उससे ज़्यादा रहेगा। तो यदि आप इसको सेट भी करेंगे, पहली बात तो आप सेट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं इसको सेट ही नहीं करते हैं, हमेशा इसको मोटर के करंट के हिसाब से ही सेट करना है ताकि स्टार्टर इमरजेंसी में ट्रिप हो जाए। मोटर के HP से कम HP का स्टार्टर लेके रखा है तो उसमें क्या होगा कि आप यदि इसको ज़्यादा पे भी सेट करेंगे तो हो सकता है ये जल्दी जल्दी ट्रिप मारेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मोटर का पहले HP देखना है, उसका करंट देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही स्टार्टर को परचेस करना है, और उसके बाद आपको ये भी श्योर करना है कि ये सही रेटिंग पे सेट है या नहीं। और इसका पूरा प्रैक्टिकल हम पहले कर चुके हैं, जिसको भी इसको समझना हो इसकी हमारी एक दूसरी वीडियो उपलब्ध है, ठीक है, जिसमें हमने पूरा DOL स्टार्टर को पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे ये वर्क करता है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। आपको अगर मोटर स्टार्टर की कमी के कारण नहीं जलानी है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सही रेटिंग का स्टार्टर ही खरीदेंगे। रीजन नंबर 13 में क्या होता है, वायर की क्वालिटी, ठीक है। जब भी हम मोटर को रिवाइंड करते हैं तो इसके लिए हमें इस तरह का वायर चाहिए पड़ता है, एल्यूमिनियम वायर से भी मोटर वाइंडिंग की जा सकती है, लेकिन कॉपर वायर से ही मोटर वाइंडिंग करना होता है, क्योंकि ये इसकी जो कैपेसिटी है अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी है,
लेकिन कॉपर वायर में भी कई सारे ब्रांड आते हैं, कई सारी कंपनियां होती हैं। इसमें क्या होता है, इसकी प्योरिटी पे डिपेंड करती है इसकी प्राइस और इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, ये जो वायर है कितने अच्छे से कार्य करेगा, कितना लोड ले पाएगा और कितना लोड इसमें बर्दाश्त करने की क्षमता है, इससे इसका क्या होगा, मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि मोटर लॉन्ग लाइफ के लिए वायरिंग की जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप कॉपर वायर सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर सिलेक्ट करना है। इसमें हो सकता है आपको 100-200 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, लेकिन आप इसके साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि मोटर वाइंडिंग करते समय आप सस्ता वायर यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि जो वायर हमने इसमें डाला है इसकी कैपेसिटी कम रहती है करंट को झेलने की और ये जल्दी जल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम अच्छी क्वालिटी का वायर यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें लेमिनेशन का, इस पे जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और इसके अंदर जो कॉपर यूज किया गया है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। दोनों कंडीशन में ये जो कॉपर वायर है ज्यादा करंट झेल लेता है और थोड़ा बहुत ओवरलोड पे मोटर नहीं जलेगी। तो आप कभी भी मोटर के वायर पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मोटर जलने का जो रीजन है 14 नंबर, उसमें क्या होता है कि कभी कभी होता है कि मोटर की जो ब्रांड है या जो कंपनी है वो उतनी ज्यादा अच्छी कंपनी नहीं है, अच्छी ब्रांड नहीं है। तो होता क्या है कि सारी कंडीशनें सही होती हैं लेकिन थोड़ी भी अगर कोई मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा भी ओवरलोड या थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, तब भी मोटरें जल जाती हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी जो सारी चीजें उसमें यूज की गई हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, वायर, स्टेटर, रोटर, ये सारी चीजें उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है कि इस पे थोड़ा सा ओवरलोड भी वो झेल सके। ठीक है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी वो झेल सके। तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना होगा कि अच्छी ब्रांड की मोटर ही परचेस करनी है। लोकल ब्रांड आप खरीदोगे तो आप बार बार परेशान हो जाओगे। ठीक है, उसमें हम कितना भी सुधार करने का प्रयास करें हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे अगर मोटर लोकल ब्रांड की है। तो आपको कभी भी लोकल ब्रांड की मोटरें नहीं परचेस करनी है। मोटर जलने का रीजन नंबर 15 है, मोटर रिवाइंड करते समय गलत डाटा से वाइंडिंग करना। इसमें क्या होगा कि इसका जो डाटा होता है, डाटा मतलब होता है इसमें सही नंबर का वायर साइज, ठीक है, वायर की साइज क्या थी और हमने कौन सी साइज का वायर डाल दिया है, कॉइल में कितने टर्न है और हमने टर्न की संख्या को कितना रखा है, और इसमें जो भी डाटा होता है ओरिजिनल कंपनी का, यदि हम उसी डाटा पे मोटर वाइंडिंग करेंगे तो मोटर जलने के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोटर कई जगह से वाइंड होके आती है और उसमें डाटा में धीरे धीरे करके उसमें बदलाव होता रहता है, तो कभी कभी क्या होता है उसका डाटा बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, जिस कारण से यदि हम कॉपी करके वाइंडिंग करेंगे, कॉपी करने का मतलब है कि जो हमने इसमें से वायर निकाला है, जितने टर्न थे, जो नंबर का साइज है, उसी को अगर हम कॉपी करके वाइंडिंग करेंगे तो फिर उसमें मिस्टेक रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा ये चीजें समय के साथ पता चल जाती हैं कि इसका जो कंपनी का डाटा है उसी ओरिजिनल डाटा पे अगर आप बाइंड करेंगे, लेकिन इसमें आपको काफी टाइम लगता है सीखने में। ठीक है, इसमें आपको कई सारे मोटर के जो डाटा रहते हैं वो समझने पड़ेंगे, ओरिजिनल डाटा धीरे धीरे आपको पता चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जब डाटा पे बाइंडिंग करेंगे तो ये मोटर ज्यादा एफिशिएंट रहती है। तो डाटा में आपको बदलाव नहीं करना है, खासकर कमी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपका जो ओरिजिनल डाटा आपके पास है तो उसी पे आपको बाइंडिंग करनी है। ठीक है, डाटा में ज्यादा बदलाव नहीं करना है, लेकिन एक चीज पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मोटर नई थी और जल गई है, उसका जो डाटा है वो ओरिजिनल है लेकिन मोटर जली है ओवर वोल्टेज से, और ये जो ओवर वोल्टेज है जिस भी कस्टमर का है, ठीक है, यदि कस्टमर के पास वोल्टेज हमेशा हाई रहता है और हाई वोल्टेज पे मोटर जली है तो आपको डाटा में थोड़ा सा बदलाव करना है। हाई वोल्टेज के लिए अगर आप बाइंड कर देंगे तो मोटर अब नहीं जलेगी। मोटर जलने का एक और रीजन होता है, जिसमें होता क्या है कि ये जो रोटर है, रोटर का सेंटर में ना होना, सेंटर से मतलब ये होता है आप ये देख सकते हैं जहां से एक कोर होती है स्टेटर की, ठीक है, और फिर ये होती है कोर रोटर की, ये दोनों कोर आपस में बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। रोटर की जो कोर है सेंटर से ना आगे हो और ना पीछे हो, बिल्कुल जस्ट सेंटर में होना चाहिए, और सेंटर में नहीं रहेगी तो क्या होगा, वाइंडिंग पे लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऐसा तब होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि हमें इसको कहाँ से लगाना है। यदि हम इसका जो बैक साइड है, ये बैक साइड है और हमें इसको कहाँ से, इस साइड से ऐसा नहीं डालना है, कुछ कंपनी के जो रोटर होते हैं वो इस साइड से लगते हैं, ठीक है, और कुछ कंपनी के यहाँ से, यदि हम इसको उल्टा डाल देते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम इसका साइड भूल जाते हैं और यदि हमने इसको उल्टा फिट कर दिया तो इसका जो रोटर है ये सेंटर में कभी कभी नहीं आ पाता है, जिस कारण से क्या होगा, मोटर की वाइंडिंग पे लोड पड़ेगा। ठीक है, और वैसे इस कंडीशन में क्या होता है, मोटर उल्टी घूमने लगती है, तो यदि आपकी मोटर उल्टी घूमने लगी है बिना किसी कनेक्शन चेंज किए और आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये चीज फिर से देख लें कि आपने रोटर को सही फिट किया है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगर रोटर सेंटर में नहीं होगा तो भी मोटर जल जाएगी। मोटर जलने का जो रीजन नंबर 17 है, उसमें क्या होता है कि जब मोटर रिवाइंडिंग की जाती है और उसमें हम जब इंसुलेशन करते हैं, इंसुलेशन वार्निश, जैसे ये खाली हो गया है,
ठीक है, ये इंसुलेशन का बॉटल है और एक और हमारे पास पाउच है इसमें है। तो यदि हम इस तरह का जो इंसुलेशन वार्निश रहता है और इसको करने का जो सही तरीका नहीं है, गलत तरीके से अगर हम इंसुलेशन कर देंगे तो होगा क्या कि मोटर में इंसुलेशन की कमी से जो वायर रहते हैं आपस में चिपकेंगे नहीं, वायर आपस में चिपकेंगे नहीं तो क्या होगा, वो होंगे वाइब्रेट। ठीक है, जब वायर वाइब्रेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका जो इंसुलेशन होता है वो छिल जाएगा, कुछ समय बाद वो इंसुलेशन छिल जाएगा, जिस कारण से क्या होगा कि ये जो वायर है आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, इस कारण से मोटर जल जाती है और मोटर की लॉन्ग लाइफ हमें नहीं मिल पाती। तो आपको हमेशा क्या करना है कि इंसुलेशन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करें, इंसुलेशन में कमी नहीं करना होता है। जितनी भी बाइंडिंग है कॉइल का, जहां जहां भी जो भी सर आपको लग रहा है कि यहाँ पे इंसुलेशन नहीं पहुंचा, आपको 2 या 3 फुट पे इंसुलेशन करना है। ठीक है, इंसुलेशन में आपको कमी नहीं रखना है और आपको इंसुलेशन को स्लॉट के अंदर और बाहर, ठीक है, सभी में अच्छे से करना है, कहीं पे कोई भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। जितना ज्यादा आप इंसुलेशन करेंगे, जितना ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आपको उसको डुबा के ही रखना है, ठीक है, इंसुलेशन में कमी नहीं रखना है, स्लॉट के अंदर और स्लॉट के बाहर, बाइंडिंग में कहीं कोई भी पार्ट इंसुलेशन से नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंसुलेशन अच्छा करना है, इंसुलेशन की कमी के कारण भी मोटरें जल जाती हैं। रीजन नंबर 18 है, इसमें क्या होता है, कनेक्शन लूज होते हैं। स्टार्ट उठा, लूज कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ये 3 फेज स्टार्टर है, हमने यहाँ पे इनपुट में 3 फेज दिए हैं और यहाँ से 3 फेज लेके हमने मोटर में दिए। मान लेते हैं कोई एक फेज यहाँ से जो मोटर में जा रहा है वो फॉल्ट हो जाए, या ये जो सिंगल फेज मोटर होती है यहाँ पे हमने 2 फेज दिए, स्टार्टर का एक कनेक्शन लूज रहे और वायर ओपन हो जाए, किसी भी कारण से अगर मोटर में जाने वाला एक फेज कट जाता है तो मोटर पूरी जल जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसके जो कनेक्शन है अच्छे टाइट रखने होते हैं, ऐसे जुगाड़ू ज्वाइंट नहीं बना देना है कि वाइब्रेशन में या किसी भी कारण से इसके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं और एक फेज ओपन हो जाता है, मोटर जल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको हमेशा कनेक्शन को टाइट रखना है। रीजन नंबर 19 में क्या होता है, इसमें होता है मोटर का कूलिंग फैन। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोटर का कूलिंग फैन लगा रहता है, ठीक है, इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, फैन कवर। जब मोटर चलती है तो इसकी बॉडी में एडी करंट होगी, एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट से क्या होगा, इसकी बाइंडिंग पे लोड पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसको यदि हम बहुत देर तक चलाएंगे तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और गर्म हो जाएगी तो बाइंडिंग जल जाएगी। इसके लिए हमें क्या होता है, बॉडी को ठंडा रखना होता है। बॉडी को ठंडा रखने के लिए इसकी जो शाफ्ट है, ये जो घूम रही है, ठीक है, इसी शाफ्ट पे पीछे एक फैन लगा दिया जाता है। जैसे मोटर चलती है तो ये फैन भी चलता है और फैन क्या करता है, यहाँ से हवा को खींचता है और यहाँ से मोटर के ऊपर से हवा को निकाल देता है। ये जो आप देख रहे हैं इस पे ये फिन्स कहलाती हैं। फिन से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसको ठंडा रखने में और ज्यादा इसको बेनिफिट मिल जाता है। तो हवा यहाँ से जाएगी और यहाँ से निकल के मोटर को, बॉडी को ठंडा करती जाएगी। लेकिन किसी कारण से यदि आपका पंखा उसमें नहीं है या लूज हो गया, उसमें जो बोल्ट कसा रहता है वो ढीला हो गया, तो पंखे ने घूमना बंद कर दिया या पंखी टूट गई, किसी भी रीजन से यदि पंखा नहीं है इसमें, तो होगा क्या कि इसकी बॉडी गर्म होगी और गर्म होगी तो ये जल जाएगी। तो आपको यदि ऐसा लग रहा है, यदि इसमें आवाज आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप इसको देख लें कि इसका फैन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। जो रीजन नंबर 20 है, उसमें हम क्या करते हैं, मोटर को हवादार जगह पे नहीं रखते। ठीक है, हवादार जगह पे नहीं रखते, या एक और जो प्रॉब्लम है हम खुद ही बना देते हैं, इस तरह से पन्नी को क्या करते हैं, पानी से बचाने के लिए कि इस पे पानी ना गिर जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे ऐसे पन्नी से ढक देते हैं। पन्नी को कैसे ढकते हैं, ऐसे इस तरह से हम इसको पन्नी को अच्छे से ढक देते हैं ताकि एक भी बूंद मोटर के ऊपर पानी ना गिरे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो इसका जो फैन है यहाँ से हवा खींच रहा था और ये पन्नी क्या होगी, यहाँ जो होल है उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, पन्नी यहाँ के सारे होल ब्लॉक करेगी, इसमें जो फैन है वो फैन इसमें से हवा को अब नहीं खींच पाएगा। ठीक है, हवा नहीं खींचेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर से हवा लगेगी नहीं, मोटर गर्म होगी और ये जो गर्मी है वातावरण में नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमने पन्नी से इसको ढक दिया है। तो इसमें दो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, एक तो इसमें से हवा नहीं खींच पा रही है और दूसरा क्या हो रहा है, इसके फिन्स में जो गर्मी जनरेट हो रही है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि हमने पन्नी से इसको ढक के रखा है। दोनों ही कंडीशन में मोटर जल जाएगी। ठीक है, ये जो दोनों कंडीशन बनी है मोटर को बहुत जल्दी जला देती है, यहाँ से हवा नहीं खींच रही है और दूसरा इसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है, तो इससे क्या होगा, मोटर जल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको कवर तो करना है, यदि आपको डर लगता है कि इस पे कोई पानी गिर सकता है कहीं से, तो आपको कवर करना है। कवर करने के लिए आप दूसरे तरीके यूज करें, आप मेटल सीट इस पे कवर कर दें, मेटल सीट को इस तरह से रखें कि ये यहाँ पे जो होल है इसको ब्लॉक ना करें। रीजन नंबर 21 जो है, उसमें क्या होता है, जहाँ पे ये जो हम बाइंडिंग करते हैं इसको बोलते हैं स्टेटर, और जब ये मोटर ज्यादा पुरानी हो जाती है तो स्टेटर में क्या होता है, जंग लग जाती है, या स्टेटर में बार बार पानी लगने से, या कुछ समय के लिए हमने ऐसी जगह पे मोटर को रख दिया था जहाँ पे नमी थी या पानी भरा रहा उसमें, स्टेटर में क्या होगा, जंग लग जाएगी। जैसे स्टेटर में जंग लग जाएगी और हम इसमें अगर वाइंडिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, एडी करंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एडी करंट बढ़ने से मोटर की वाइंडिंग पे लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो फिर मोटर फिर जल जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में आपको कभी भी मोटर को रिवाइंड नहीं करना है। अगर आपका स्टेटर पे जंग लगी हुई है, आप कुछ भी कर लो, आप उसको वाइंड नहीं करेंगे, वाइंड करेंगे आपकी मोटर जल जाएगी, नाम आपका खराब होगा, कस्टमर का भी लॉस होगा बार बार। ये कंडीशन जो है मोटर में कम होती है, लेकिन फैन में ज्यादा होती है। बहुत सारे फैन हमने ऐसे देखे हैं जिनके स्टेटर पे इसका जो जंग लगी होती है, और कई सारे लोग उस पर वाइंड कर देते हैं, जिससे क्या होता है पंखा जल्दी जल जाता है, उतनी ज्यादा स्पीड भी नहीं देता है और पंखा जल्दी जलता है। ठीक है, और रीजन किसी को पता नहीं चलता है कि आखिर में हुआ क्या है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो कोर है उसमें जंग लगी रहती है, एडी करंट की प्रॉब्लम से वाइंडिंग पे लोड पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर देखे कि स्टेटर पे जंग लगी है तो आपको वाइंडिंग नहीं करना है। रीजन नंबर 22 में क्या होता है कि मोटर स्टार्टर में या मोटर में जो भी हमने फ्यूज लगा रखे हैं, एमसीवी लगा रखी है, यदि ये हम सही रेटिंग की नहीं लगाएंगे तब भी मोटर को जलना है। ठीक है, क्योंकि जब भी इस पे कोई ओवरलोड होने वाला है या वोल्टेज हाई होने वाला है, लो होने वाला है, कुछ भी इमरजेंसी होगी इसमें, तो क्या होगा, इमरजेंसी में जो सेफ्टी है वो फ्यूज और एमसीबी के माध्यम से हमें मिलती है। इसमें गलत रेटिंग का वायर डालेंगे, ठीक है, फ्यूज में यदि गलत रेटिंग का वायर डाल दिया है, मोटर की कैपेसिटी से ज्यादा मोटा वायर इसमें डला हुआ है, तो क्या होगा, मोटर ओवरलोड भी झेलेगी और हाई वोल्टेज भी झेलेगी, लेकिन आपका फ्यूज का जो वायर है वो नहीं जलेगा। कंडीशन क्या बनेगी, मोटर जल जाएगी लेकिन फ्यूज का वायर नहीं जलेगा। और यदि आपने ज्यादा एम्पियर की एमसीबी लगा रखी है, भैया एमसीबी भी ट्रिप नहीं करेगी, कोई फायदा नहीं हुआ हमें एमसीबी लगाने से, फालतू खर्चा हुआ, मोटर जल गई और एमसीबी ट्रिप नहीं हुई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मोटर का जो करंट रेटिंग है इसकी नेम प्लेट पर लिखा रहता है, ठीक है, जितना भी आपकी एम्पियर है आप मैचिंग कर लें, उसी के हिसाब से आपको फ्यूज वायर और एमसीबी चूज करना है। गलत रेटिंग का फ्यूज और गलत रेटिंग की एमसीबी आपको कभी भी यूज नहीं करनी है, और ना ही आपको गलत रेटिंग का स्टार्टर यूज करना है। तीनों ही कंडीशन में क्या होती है, मोटर कुछ भी थोड़ा सा भी ओवरलोड होता है या हाई वोल्टेज आता है तो मोटर झील नहीं पाती है और मोटर जल जाती है। यदि आप इस वायर को बहुत ज्यादा पतला डालेंगे तो बगैर किसी कारण के ये जल जाएंगे, मोटर ओवरलोड पे भी नहीं है, वोल्टेज भी सही है, तब भी ये फ्यूज बार बार जलेंगे, मोटर बार बार ट्रिप होगी, तो आपको सही रेटिंग का वायर ही इसमें डालना है। मोटर जलने का जो रीजन नंबर 23 है उसमें क्या होता है कि मोटर को जल्दी जल्दी चालू कर दें, यानी इसको हम मोटर को फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ करते हैं। फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ करने से मतलब यह है कि जैसे कोई सबमर्सिबल हो या कोई भी मोटर हो जिसमें हमें दिख रहा है कि ये पानी नहीं फेंक रही है या अभी ऑन नहीं हुई है, तो हम क्या करते हैं उसको जल्दी जल्दी ऑन करते हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करने से क्या होता है कि जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो इसका करंट जो रहता है स्टार्टिंग करंट 5 से 7 गुना रहता है। इतना हाई करंट स्टार्टिंग में जब हम बार बार उसको दे रहे होते हैं तो वाइंडिंग गर्म होती जाती है, गर्म होती जाती है, और एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि वायर पिघल जाएगा। ठीक है, मोटर जल जाएगी, तो आपको फ्रिक्वेंटली मोटर को स्टार्ट नहीं करना है, बार बार ऑन ऑफ नहीं करना है, टाइमिंग देखना है आपको, 1 मिनट में आप कितने बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टर की भी एक लिमिट होती है, उसको आप 1 मिनट में कितने बार स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से भी आप मोटर को कभी कभी जला लेते हैं, खासकर सबमर्सिबल मोटर। मोटर जलने का रीजन नंबर 24 इसमें क्या होता है कि इसमें इंसुलेशन पेपर जो हम यूज करते हैं इस तरह के, इसमें क्वालिटी अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो पेपर है, ये पेपर हम आराम से ऐसे फाड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे आराम से इसको हम फाड़ सकते हैं, लेकिन साथ में ये जो दूसरा पेपर है इसको देखेंगे, ये भी फट जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है, ये काफ़ी मजबूत पेपर है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि इसमें क्या होता है, नमी नहीं सोखता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब मोटर को वाइंडिंग करते हैं, अगर हम अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ करेंगे तो भी हमें मोटर की लाइफ ज़्यादा मिलने वाली है। इससे क्या होता है कि वायर आपस में शॉर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो भी हमने इंसुलेशन पेपर इसमें डाला है ये पेपर खराब नहीं होगा, पेपर खराब नहीं होगा तो मोटर की लाइफ बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, मोटर वाइंडिंग में हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही पेपर यूज़ करना है। ठीक है, आप मिस्त्री हो, आप इलेक्ट्रीशियन हो, आपको ये सारे रीजन पता होने चाहिए, आपको एक्सपर्ट बनना है, मोटर वाइंडिंग में आपका नाम खराब नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी करते हो। ठीक है, चाहे आप कस्टमर हो और चाहे आप एक मिस्त्री हो, मोटर वाइंडर हो, आपको दोनों ही कंडीशन में सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मोटर वाइंडिंग करने से पहले हमें मोटर के जलने के रीजन पता होने चाहिए, यदि आपको रीजन पता नहीं है तो आप कभी भी मोटर को ठीक से वाइंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप यदि इसको कॉपी कर देते हैं, सेम टू सेम मोटर की वाइंडिंग आप कॉपी करते हैं, तो कुछ चांस ऐसे भी बनते हैं कि आपकी मोटर फिर से जलेगी, क्योंकि आपने उन रीजनों को नहीं समझा है जिन कारण से आपकी मोटर जली है। ठीक है, यदि आपके जो कारण से मोटर जल रही है बार बार, आपके यहाँ वोल्टेज हाई है या आपके यहाँ पे लूज कनेक्शन है कहीं पे, बार बार मोटर ऑन ऑफ होती रहती है, या आपके यहाँ ओवरलोड रहता है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप उस रीजन को समाप्त नहीं करेंगे और आप मोटर वाइंडिंग कर देंगे तो आपकी मोटर फिर से जलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि आप कस्टमर हो तो आपको इलेक्ट्रीशियन से
डिस्कस करना है कि सर हमें ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है या इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसका आप हमें रीजन बताएं ताकि हम उस रीजन को सॉर्ट आउट करें। और यदि आप मोटर वाइंडिंग करने वाले हैं तब आपको कस्टमर से बात करनी है कि आपकी मोटर तो हम वाइंडिंग करेंगे लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मोटर दोबारा से ना जले तो आप हमें पहले इसके रीजन बताइए कि मोटर जलने की रीजन क्या थी, यदि आपको पता है तो ठीक है, पता नहीं है तो आप थोड़ा सा उसका अनुमान लगाएं ठीक है। और जहां तक हो सके तो आपको पहले मोटर वाइंडिंग करने से पहले आपको उसका पूरा डाटा निकलवाना है, आपने मोटर को कब खरीदा था, मोटर कितने बार जल चुकी है ठीक है, जलने के क्या क्या रीजन रहे हैं। इस तरह से यदि आप डिस्कस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से मोटर वाइंडिंग सीख पाएंगे।